अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई बिजनेस सॉल्यूशन। जैसा कि बहुत दिन हो गए थे मैंने कहा वीडियो नहीं बनाई, तो पहले तो लोक विरसा में जो मेरा स्टॉल लगा था उसका बहुत बहुत थैंक यू जो लोग विज़िट करने आए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो है, क्योंकि फेसबुक पे और मैंने कई जगह पे शेयर किया था तो बहुत सारे लोग विज़िट करने आए सोशल मीडिया को देख के, और मैं बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि दैट्स वेरी गुड, आई हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल एंड फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड आल्सो, और बहुत सारे काम भी मिले जिसके लिए मैं बिज़ी भी था। आज मैं थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं बहुत बिज़नेस को पढ़ा पढ़ा के। तो ये है, देखिए आप भले कोई भी काम करें, कोई भी स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, यूथ की भी बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि हम इंटर कर रहे हैं तो हम फारिग नहीं हैं, या ग्रेजुएट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी मेराठ से, यूनिवर्सिटी से लम्स से, या केपी की यूनिवर्सिटी से मालाकंड से, भावलपुर सकरे यूनिवर्सिटी से, और लाहौर में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं किसी भी है, तो कहते हैं कि हम तो बिज़ी हैं एजुकेशन में। तो आप कितने घंटे पढ़ते होंगे, सुबह से 8 से 4 बजे पढ़ते होंगे यूनिवर्सिटी, उसके बाद फारिग हैं। तो थोड़ा थोड़ा स्किल्स आप सीखा करें, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस सेशन में जाया करें, ट्रेनिंग अटेंड किया करें। ऑनलाइन तो आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हमारा माशरा क्या करता है कि नहीं यार हम तो बहुत बिजी हैं, स्टूडेंट बहुत बिजी होता है भाई, हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ श्योरली बता रहा हूँ कि 2030 के बाद डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि ये वीडियो आप मुझे फिर रीशेयर भी कीजिएगा कि वाई एम टेलिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। स्किल पे सारी दुनिया चली जाएगी, पीपल हार्ड वर्किंग करते हैं, मैं स्मार्ट वर्किंग करता हूँ, दिस इज़ द न्यू स्टाइल। पीपल इतनी मेहनत करते हैं, मैंने इतने लोग देखे हैं इतनी मेहनत करते हैं, एक चीज़ कपड़ा सेल करना है, ड्रेस बना के और लोगों के पास जाते हैं सेल करने, वही चीज़ मैं इंटरनेट पर डालता हूँ 5 मिनट सेल हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग की है चीज़ है, और स्मार्ट वर्किंग कहाँ से आएगी, स्किल से आएगी, एजुकेशन से नहीं आएगी। मेरे खुद स्टूडेंट PhD होल्डर हैं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमने अभी भी मतलब ग्रेजुएशन किया है, ये किया, तो मुझसे ज़्यादा मतलब क्वालिफाइड है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो मेरे पास क्यों आते हैं, मैं उनको कहता हूँ मेरे पास क्या चीज़ है, बोला सर आपके पास स्किल है। अच्छा मेरे पास स्किल है, क्या चीज़ है मेरे पास, कह सर आपके पास कोई नॉलेज है, अच्छा मेरे पास नॉलेज है, कैसे नॉलेज है, कि वो हमें नहीं पता। मैंने कहा आप तो PhD होल्डर, यू हैव मोर एजुकेटेड देन मी, यू हैव मोर क्वालिफाइड टू मी, आपके पास वो चीज़ क्यों नहीं है। तो कहते हैं कि सर हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो इसको कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग, जो फर्स्ट बिजनेस की बेसिक स्टार्टअप की जो ग्राउंड रियलिटी है ना, या ग्राउंड है, वो है डिज़ाइन थिंकिंग। जैसे न्यूटन के पे सेब गिरा तो उसने कहा कि ये गिरा क्यों, जैसे करीम ने कहा, अब्दुल करीम ने कहा कि टैक्सी मेरे लिए रुके, मैं टैक्सी लेके नहीं रुकूँ। तो ये सारी जो है डिज़ाइन थिंकिंग है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ किया, जैसे किसी ने घर बनाया, किसी ने कहा नहीं यार मैं प्लाजा बनाता हूँ, तो ये डिज़ाइन थिंकिंग है। उसने डायरेक्ट नहीं प्लाजा बनाया, पहले सोचा इसको प्लाजा बना सकता हूँ, तो पहले उसके जहन में आया होगा। आप सुबह को उठते हैं तो आपको आइडिया होता है कि मैं क्या करूँगा, रोड पर खड़े होकर फिर नहीं सोचते मैं क्या करूँगा, सामान यहाँ से लेके जाते हैं, अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो उतना सामान ले जाते हैं, अगर आपको 200 किलोमीटर जाना है उतना सामान ले जाते हैं। तो पहले आपको आइडिया आता है, ठीक है जी, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं जाके, ठीक है ना। और अच्छा ये भी बता दूँ, जिसको बोर लग रहा है आप उसको स्किप कर दें, मेरी वीडियो ना सुने, क्योंकि ये उस बंदों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनके ख्वाब हैं, वो मेरी वीडियो सुने, बाकी आप स्किप कर दें, क्योंकि ये बेवकूफ़ों और जाहिलों के लिए है ही नहीं, जिनकी दिमाग में यही है कि मैं तो पढ़ के जॉब करूँगा, मैं तो पढ़ के 9 से 5 बजे कुछ काम करूँगा और बस घर आके सो जाऊँगा और बस बच्चे पैदा करूँगा और बस ये, तो उनके लिए नहीं वीडियो है, स्किप कर दें, ठीक है। वो आज़ाद चाय वाला बोलता है ना कि गुर्बत की मौत मरनी है तो आप स्किप कर दो, तो गुर्बत की जो मौत मरनी है आप स्किप कर दो, मेरी वीडियो ना देखो, ये वो वीडियो है जो कुछ इनकलाब लाने जाती हैं बिजनेस में, जो भी है ये ऐसी सोच है अच्छे काम के लिए, नॉट अ बैड इम्पैक्ट ओवर देयर, ठीक है ना। और दूसरी तलखा की कहते हैं लोग आपको, जब आप कुछ स्किलेबल हो जाएंगे, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो लोग मुझे 3 बजे फ़ोन करते हैं,
चार बजे फ़ोन करते हैं, सर ये मेरा मसला है, तो मैं उसका मसला आपको सुन लेता हूँ। सुबह को जब 9 बजे फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं आई एम बिज़ी, तो मैं कहता हूँ वाह तुम सुबह के टाइम बिज़ी हो, रात को 4 बजे मैं क्या झाड़ू लगा रहा था। तो मैं तो नहीं बोलता, मैं कहता ठीक है यार लीव इट, उनकी जैसी थिंकिंग हो वो हो गए। तो बिज़नेस में बहुत नीचे से होकर उठना पड़ता है। अगर आप रूड हैं तो बिज़नेस ना करें, अगर आप बहुत शीरन ज़िबाँ हैं मीन्स स्वीट आपकी ज़िबान है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। और आप में टेम्परामेंट होना चाहिए, एब्जॉर्वेशन होना चाहिए, डिज़ाइन थिंकिंग होना चाहिए, बिज़नेस मैनेजमेंट होना चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए और फाइनेंस होना चाहिए ऑफ कोर्स, मींस फाइनेंशियल आइडियाज़ होना चाहिए। ठीक है जी, उस पर हम ग्रांट भी दे देंगे आपको और भी हेल्प वर्कआउट कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन आपको उस लेवल पे स्किल करनी है, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव के एवरी ड्राइवर इज़ नॉट अ ट्रक ड्राइवर, सो एवरी पर्सन इज़ नॉट अ गुड बिजनेस मैन, तो उसके लिए उसको लर्निंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैंने इस लास्ट वीक में बहुत देखी है, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस फॉर्मेशन। होपफुली जब अब मैं फिर ट्रेनिंग शुरू करूँगा नवंबर से तो आप शामिल हो जाइएगा, और अब तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन दुख की बात है कि मेरा लिंक्डइन जो है आईडी वो हैक हो गई है, अच्छा ऑलमोस्ट 11 ईयर ओल्ड एंड मोर देन 20,000 पीपल वहाँ पे कनेक्टेड थे मेरे साथ। अब क्यों नहीं रिकवर हो रही या क्यों दूसरी नहीं बन रही वो अलग इशू है, इट इज़ कॉल्ड जेलेसी और इट इज़ कॉल्ड एनी काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। कोई बंदा कंपटीशन नहीं कर सकता तो कहता है कि इसको काट दो, तो जैसे द वन ऑफ द वे। तो लिंक्डइन में मैं इस वक्त अभी अवेलेबल नहीं हूँ, अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है या मेरे नाम पे या कोई भी गलत आईडी से तो आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ ना। बाकी फेसबुक है, गूगल है और यूट्यूब वगैरह जो भी है तो उस पर अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज लर्निंग एटीट्यूड है मेरा और मैं पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा, लोग सीखते रहेंगे, जो सीखने वाले हैं, जो नहीं सीखने वाले तो ऑफकोर्स नहीं सीखेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट, अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो कमेंट कीजिएगा कि क्यों नहीं लगी, रीज़न बताइएगा, या कोई ऐसी टॉपिक आप सुनना चाहते हैं तो वो फिर मैं आपको उस पर ब्रीफली बता दूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि मैं अब नेक्स्ट वीक से भी थोड़ा बहुत एवरी वीक किसी बंदे का इंटरव्यू भी लूँगा और उसको उसकी स्किल्स को प्रमोट करूँगा, जैसे मेरी वीडियोज़ भी हैं पुरानी, तो अब थोड़ा न्यू स्टाइल से करूँगा, ऑनलाइन आके जूम पे उसको इंटरव्यू लूँगा और देन मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे उसको अपलोड करूँगा, ताकि जो मेरा मिशन है कि आके सीखो तो उस बंदे से भी सीखने के आप सीख सकते हैं, उससे उसका काम मुझसे अच्छा और वो ही कैन गेन मोर नॉलेज फ्रॉम, मतलब आप ले सकें और वो ले सकें। तो ये है, अगर किसी को करना है तो मुझे बताइएगा, अपना ब्रांड नेम बताइएगा, अपनी स्किल्स बताइएगा, अपना टाइम बताइएगा और किस वक्त अवेलेबल हैं, तो फिर हम उसको इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट, बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो होपफुली, क्योंकि बहुत सारी मैंने इसमें चीज़ें कवर की हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।